Next junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. फिर ऐसे क्यों हालत हो गए? जैसे मैंने बोल दिया कि I'm sorry. आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे. बटो, इसको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी हो गई है. ये जिस किसी को भी लग जाए फिर वो तो गया काम से. क्या तुम लोग को पक्का पता है कि मुझे वही हुआ जो तुम लोग समझ रहे हो? तू बता, तुझे क्या लगता है, क्या तू सच में अमिता से प्यार करता है? मैं यूएस जा रहा हूँ, मुझे प्यार कैसे हो सकता है? क्यों, जो यूएस जाते उन्हें प्यार ही नहीं होता, एयरपोर्ट पर स्कैनर देख लेता है. Oh, no, sir. आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते, आपको तो प्यार हो चुका. चुप करना यार बटू, कितनी बकवास करता है. मैं यूएस इसलिए जाना चाहता हूं ताकि मैं अमिता से दूर रह सकूं. मैंने बहुत पहले अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी. अमेरिका में क्या करना है, कहाँ जाना है, इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है, कड़ी भात कहाँ मिलता है, कृष्ण भगवान का मंदिर कहाँ है, सब कुछ ढूंढ लिया. और ये सब करने के बाद अमिता से प्यार करने लगूंगा. और तुम लोग ना गधे हो. अरे गधा तो तू है जो इतनी सी बात नहीं समझ सकता. जब प्यार दरवाजा खटखटाता है ना, तब इंसान की सारी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, अकल वकल सब जाती खिड़की के बाहर. अरे सालों से वही सेम रास्ते पे चला है, वही गड्ढे, वही रास्ते, वही स्टॉपेज. अरे कुछ तो अलग कर यार. तुम लोग अमिता की तरह क्यों बातें कर रहे? हाँ हाँ, हम ही क्यों, अब तो सारी दुनिया की बातें अमिता की बातों की तरह सुनाई देंगी. प्यार में ऐसा ही होता है. सच बात तो ये है कि तुझे अमिता से प्यार हो गया है. प्यार हो गया है, प्यार हो गया है. अब तो सारी दुनिया की बातें अमिता की बातों की तरह सुनाई देंगी. प्यार में ऐसा ही होता है. आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाने चाहिए. आपको पता है इन चश्मों के साथ वो कैसे लगते हैं? वो कोई सुर से मैच टीचर हो ना वैसे. इन कपड़ों में काफी अच्छे लगते हैं, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आपको अलग तरह के भी कपड़े पहनने चाहिए? क्यूट जीन्स एंड टी शर्ट वैसे वाले.
डायलॉग। अच्छा ओ, आपको टी शर्ट नहीं पसंद आई, दूसरी पहन कर दिखाऊं? ठीक है। यानी आपको टी शर्ट पसंद आई? अमिता आपने ध्यान नहीं दिया। किस बात पर? जो चीज मैं हर रोज पहनता हूँ आज मैं नहीं पहना। क्या? चश्मे। और बिना चश्मे के कैसा लग रहा हूँ? अमित, आप मुझे हमेशा एक जैसे ही लगते हैं। और कपड़े बदल लेने से इंसान थोड़ी बदलता है। क्या? आप क्या चाहते हैं? क्या कहूँ मैं? क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट, हैंडसम, रोमांटिक, हीरो जैसे। ये कहूँ? अमिता, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर अचानक से बदलाव क्यों? शायद आप अभी से अमेरिकन बनने की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे ठीक ही है, संगत का असर जो है। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ये ना तुझे अमेरिका भेज कर ही रहेगी। अमित शाह, जल्दी बोल, जाकर बोल दे उसे, पर अमिता जरूर तुझे यूएस पैदल भेजेगी। कम ऑन अमित, यू कैन डू इट। अमिता, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जो भी कहना है जल्दी कहना, बहुत काम बाकी है। वो मैं आई कहना जल्दी कहिए, बहुत काम बाकी है। हाय। हाय। क्या हुआ? नहीं, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहना है इसलिए आंख जल रही है। अब बैठिए बैठिए, मैं निकाल देती हूँ। अमिता बहुत जोर से जल रहा है। अमित, इंसान को कभी इतना नहीं बदलना चाहिए कि उसकी नजर बदल जाए। नजर तो आपकी बदल गई है मैं तो, पर ना आप पहचान नहीं लेती कि मैं सब क्यों कर रहा हूं और के लिए कर रहा हूं। मैं तो कह कह के मर गई थी। कैसे अंकलों वाले कपड़े मत पहनिए, अपने उम्र के हिसाब से पहनिए, पर नहीं, तब मेरी बात नहीं सुनी। तो यही कहा ना, सिर्फ
कि मैं नहीं बदलूंगा। तो अब क्या हो गया इन्हें, अब क्यों ऐसे जींस पहन के घूम रहे? जरूर जरूर उस अंतरा के लिए। और सही भी है, वही तो उनका सच्चा प्यार है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? नहीं नानी, वो रो नहीं रही हूँ, वो प्यास काट रही हूँ ना इसलिए। वैसे अमित आजकल बहुत बदला बदला सा दिखता है ना, अरे उसे तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ नानी, उन्हें पहचानने में तो मैंने भी देर लगा दी। मेरे सामने बात करने में शर्म आ रही है तो मैं चली जाती हूँ, फिर बात कर लेना। नहीं नानी, वो हाथ गंदा है ना इसलिए फोन नहीं उठाया, बाद में उन्हें कॉल कर लूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? हेलो अमिता, आपके छत पे आ सकते हैं? अभी नहीं, मैं खाना बना रही हूँ। अमिता, आपका छत पे आना बहुत जरूरी है। क्यों, अब क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं नानी जी, वो अचानक से बुला रहे, मैं देख के आती हूँ क्या हुआ। बंद कर दिया। पर आपको तो डीडीएल जी और उसके गाने नहीं पसंद थे ना? हाँ, लेकिन आजकल अच्छे लगने लगे। आजकल आप काफी बदल गए हैं। अच्छा, आपको पता है? चलो अच्छा है, आपको पता तो चल गया। मुझे सब पता है। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा ना। प्लीज बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। अमित, आपको जो भी कहना है आप वो नीचे कह सकते हैं ना, उसमें ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए अमिता, बहुत ही जरूरी बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है, तो मैंने सोचा कि अगर आपको थोड़े से अलग माहौल में बताई जाए तो बेहतर रहेगा। आप मुझे उसके लिए छोड़ रहे हैं, मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, ये बताने के लिए आपने इतनी तैयारी की? वाह अमित शाह, आप कमाल है। आँख हो गई। प्लीज बैठिए। क्या बात है अमित? मैं आज संजय के घर गया था। तो आपने इसलिए डीडीएल जी का गाना बजाया, ये कहने के लिए? अमिता, अब आजकल मेरी पूरी बात सुनती कहाँ है, हमेशा मेरी बात बीच में से काट देती है। मैं
मैं आपकी बात कब काटती? चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात काटी। और कोई तकलीफें हैं? और कोई शिकायत है मुझसे? अमिता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या था आपके कहने का मतलब? हमें, मैं बहुत बोलती हूँ ना, ठीक है? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब आप जो कहना चाहे, जैसे कहना चाहे बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज बैठिए, प्लीज। आज मैं संजय के घर पे गया था, हमने बात की कि अमित कोई किसी के घर जाता है तो बात करता है। सॉरी। हम ये बात कर रहे थे कि आजकल मैं काफी अलग बिहेव कर रहा हूँ। कोई कोई से रहते हैं। आपको पता है ना, मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि 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 वो मैं क्योंकि मैं अमिता मैं क्योंकि मैं क्या हुआ अमित, तुझे क्या हुआ अमित? तुमने अमिता को फोन करके बुलाया पर अमिता वापस भी नहीं आई। हम सब कितने डर गए थे। हम पता करने आए कि क्या बात है। और ये सब क्या हो रहा है? ये हेलो, ठीक है हम लोग चलते हैं, तुम लोग आराम से बातें करो। अमित बारिश होने वाली, चलिए। अमिता मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरी बात अभी तक शुरू ही नहीं हुई। नेक्स्ट जूनियर प्लीज। Really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।